आदमी का दिमाग बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है और पूरी बॉडी को हेड टू टो कंट्रोल करता है, पर जब इस वाइटल ऑर्गन में कैंसर जैसे सीरियस बीमारी होती है तो क्या इस बीमारी में ट्रीटमेंट और सर्वाइवल पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। इंपॉर्टेंट बस ये है सही गाइडेंस और सही डिजीज में सही ट्रीटमेंट। तो ब्रेन कैंसर के बारे में इंफॉर्मेशन के लिए हमारा वीडियो देखते रहिए। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर वीर गुंडा गुप्ता, एमबीबीएस एमडी एंड डीएम फ्रॉम एम्स न्यू दिल्ली, और मैं दिल्ली में स्थित एक कैंसर विशेषज्ञ यानी कि मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूं। तो दोस्तों, ब्रेन यानी दिमाग का कैंसर हमारी कंट्री का एक अनकॉमन कैंसर है, पर जनरली ये एक ऐसा बीमारी है जिसके बारे में लोगों को बहुत इन्फॉर्मेशन नहीं है, और इनफैक्ट कॉमनली ये माना जाता है कि ये बहुत ही सीरियस और टर्मिनल डिजीज है और लोगों को इसके बारे में बहुत सारे डाउट रहते हैं। तो आज कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिली के सारे डाउट्स क्लियर करने के लिए हम प्रेजेंट करने वाले हैं ब्रेन कैंसर पे हमारा वीडियो, जिसमें आपके हम ब्रेन कैंसर से रिलेटेड सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे कि नंबर वन, ब्रेन ट्यूमर यानी ब्रेन कैंसर का मतलब क्या होता है? नंबर टू, ब्रेन ट्यूमर यानी ब्रेन कैंसर में किस तरह के सिम्टम्स होते हैं यानी क्या लक्षण होते हैं? नंबर थ्री, ब्रेन कैंसर को कैसे डायग्नोज यानी पता कैसे किया जा सकता है कि पेशेंट को ब्रेन कैंसर है? नंबर फोर, ब्रेन कैंसर के क्या क्या प्रकार या अलग अलग टाइप होते हैं? नंबर फाइव, ग्रेड वन, ग्रेड टू, ग्रेड थ्री, ग्रेड फोर ब्रेन ट्यूमर का क्या मतलब होता है? नंबर सिक्स, ब्रेन ट्यूमर का क्या जड़ से इलाज या क्योर या ट्रीटमेंट पॉसिबल है और इसको कैसे अचीव किया जाता है? और नंबर सेवन, ब्रेन ट्यूमर का ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है? तो आइए हम एक एक करके इन सारे टॉपिक्स को डिस्कस करें। तो पहला क्वेश्चन जो पेशेंट हमसे पूछते हैं वो ये है कि ब्रेन ट्यूमर या ब्रेन कैंसर का मतलब क्या होता है? तो दोस्तों, ब्रेन कैंसर जैसे बॉडी के अन्य ऑर्गन में कैंसर शुरू हो सकता है, जैसे कि लंग कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, किडनी कैंसर, ऐसे ब्रेन के अंदर भी कैंसर शुरू हो सकता है जिसको हम ब्रेन ट्यूमर या ब्रेन कैंसर बोलते हैं। एक दूसरी चीज भी हो सकती है, वो ये हो सकता है कि बॉडी के किसी और ऑर्गन में कैंसर शुरू हो और वो फैल के ब्रेन में चले जाए, और ये भी एक दूसरे तरह का ब्रेन ट्यूमर होता है, इसको मेटास्टेटिक ब्रेन कैंसर बोलते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन पेशेंट आपसे पूछते हैं वो ये है कि ब्रेन ट्यूमर के कौन से लक्षण है? जैसे बड़ा कॉमन एक क्वेश्चन होता है कि मेरे को हेडेक है तो काफी टाइम से है, तो क्या ये ब्रेन ट्यूमर हो सकता है? तो दोस्तों, ब्रेन ट्यूमर के कुछ कॉमन लक्षण होते हैं, जैसे कि जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट है हेडेक। तो ब्रेन ट्यूमर में क्या होता है कि दिमाग एक बंद डब्बा है जिसके अंदर यदि कोई ट्यूमर का कॉम्पोनेंट ग्रो होता है तो उसमें दिमाग के बाकी साइड्स पर प्रेशर पड़ता है जिससे हेडेक होता है। तो ब्रेन ट्यूमर की हेडेक के कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर होती है। नंबर वन, ये एक लॉन्ग टर्म हेडेक होती है यानी 6 से 8 हफ्ते से लंबी चलने वाली हेडेक है। नंबर टू, ये हेडेक कॉमनली अर्ली मॉर्निंग फेज में ज्यादा होती है, जब आदमी लेटता है तो दिमाग में पानी का प्रेशर ज्यादा होता है जिससे कि मॉर्निंग हेडेक रिलेटिवली ज्यादा होता है। नंबर तीन, ये हेडेक या तो पूरे ब्रेन को इन्वॉल्व करती है या एक ही तरफ होती है। तो फॉर एग्जांपल, यदि किसी आदमी को कभी लेफ्ट साइड और कभी राइट साइड में हेडेक होता है तो ब्रेन ट्यूमर वाला हेडेक नहीं है। ब्रेन ट्यूमर वाला हेडेक या तो पूरे हेड में होता है या एक पर्टिकुलर साइड पे ही हर बार एक पर्टिकुलर लोकेशन पे हेडेक पेशेंट को नोटिस होता है। इसके अलावा ब्रेन ट्यूमर के सिम्टम ब्रेन के नॉर्मल फंक्शन खराब होने की वजह से होते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, पेशेंट को मिर्गी के दौरे पड़ सकते हैं, पेशेंट को बोलने में प्रॉब्लम हो सकती है, पेशेंट को आधी बॉडी में कमजोरी हो सकती है, पेशेंट को हैंड या फीट प्रॉपरली यूज करने में प्रॉब्लम हो सकती है जिसकी वजह से पेशेंट लड़खड़ा कर चलना शुरू कर सकता है, या फिर कि कुछ केसेस में कुछ सटल चीजें जैसे कि सोने और उठने की साइकिल रिवर्स हो सकना या पेशेंट की पर्सनालिटी में चेंजेस आना या मूड चेंजेस आना भी एक ब्रेन ट्यूमर का अगली साइन हो सकता है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सारे साइड इफेक्ट काफी नॉन स्पेसिफिक है, इसलिए ब्रेन ट्यूमर को डायग्नोस करने के लिए एक हाई इंडेक्स ऑफ सस्पेशन की जरूरत होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ब्रेन ट्यूमर को डायग्नोस करने के लिए क्या टेस्ट किए जाते हैं? तो दोस्तों, ब्रेन को स्कैन करने में 2 मेन स्कैन होते हैं ब्रेन के, एक सीटी स्कैन होता है और एक एमआरआई स्कैन होता है। तो दोस्तों, दोनों में से एमआरआई स्कैन ब्रेन को स्कैन करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है, परंतु एमआरआई स्कैन की प्रॉब्लम क्या है कि वो थोड़ा सा सीटी से कॉस्टली होता है, हर जगह पे अवेलेबल नहीं होता है और उसको करने में ज्यादा टाइम लगता है। तो मोस्टली हमने देखा है पेशेंट को जब सिम्टम्स होते हैं वो सीटी स्कैन से शुरू करते हैं, बट इवेंचुअली पेशेंट को डायग्नोसिस के लिए एमआरआई स्कैन करना ही पड़ता है। एमआरआई स्कैन देख के हमें एक अच्छा आइडिया लग जाता है कि पेशेंट को ब्रेन ट्यूमर होने की हाई पॉसिबिलिटी है, और यूजुअली जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो न्यूरोसर्जरी होता है जिसमें ब्रेन ट्यूमर को निकालने की अटेम्प्ट किया जाता है। यदि न्यूरोसर्जरी पॉसिबल नहीं है तो कुछ सिलेक्टेड केसेस में ब्रेन की बायोप्सी भी की जाती है कंफर्म करने के लिए कि पेशेंट को ब्रेन ट्यूमर है। इसके बाद अकॉर्डिंग टू इन्वेस्टिगेशन पेशेंट का फर्दर ट्रीटमेंट और इन्वेस्टिगेशन किया जाता है। तो यह जो नेक्स्ट क्वेश्चन
इम्पोर्टेंट है ब्रेन ट्यूमर के तात्पर्य में, वो ये है कि ब्रेन ट्यूमर की टाइप्स क्या होती है। तो दोस्तों ये इम्पोर्टेंट चीज है, लोगों को लगता है कि ब्रेन में कोई भी कैंसर है तो वो ब्रेन ट्यूमर है या ब्रेन कैंसर है, वो ट्रू नहीं है। ब्रेन में सिर्फ एक ही तरह का कैंसर नहीं होता, ब्रेन में अनेकों तरह के ट्यूमर होते हैं और मेनली इसको तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला होता है मेटास्टैटिक ब्रेन ट्यूमर। तो मेटास्टैटिक ब्रेन ट्यूमर से मतलब ये है कि बॉडी में ट्यूमर कहीं और शुरू हुआ है, जिसमें सबसे कॉमन ऑर्गन होते हैं लंग, ब्रेस्ट, किडनी, थायराइड इत्यादि, और पर अन्य ऑर्गन भी हो सकते हैं जहां से ट्यूमर फैल के दिमाग में गया है। तो ट्यूमर दिमाग में शुरू नहीं हुआ है, ट्यूमर बॉडी के किसी और ऑर्गन से है और वह स्प्रेड होकर ब्रेन में गया है। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इन ट्यूमर का ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कि ट्यूमर कहां से शुरू हुआ है। तो जो लंग कैंसर ट्यूमर फैल के ब्रेन में गया है और जो ब्रेस्ट कैंसर ट्यूमर फैल के ब्रेन में गया है, दोनों का ट्रीटमेंट अलग अलग होता है। नेक्स्ट कैटेगरी में ब्रेन ट्यूमर को बोलते हैं ग्लायोमा। तो दोस्तों ग्लायोमा ब्रेन के अंदर जो नॉर्मली सेल्स होते हैं, जिनको ब्रेन के न्यूरॉन और सपोर्ट सेल्स बोलते हैं, इन सेल्स से अराइज होने वाला कैंसर है। तो ये ट्रू प्राइमरी ब्रेन कैंसर है, यानी ये वो कैंसर है जो ब्रेन से ही शुरू होता है। तो ग्लायोमा यानी प्राइमरी ब्रेन कैंसर अलग अलग टाइप्स का होता है, अलग अलग ग्रेड का होता है, जैसे कि हम अगले क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। और थर्ड होता है अनकॉमन ब्रेन ट्यूमर। तो इन दो कैटेगरी के अलावा ऑलमोस्ट 20 या 25 अलग अलग ब्रेन ट्यूमर होते हैं जिनकी एटियोलॉजी इन ट्यूमर से अलग है। फॉर एग्जांपल ब्रेन में ब्लड कैंसर हो सकता है, इसको ब्रेन लिम्फोमा बोलते हैं। ब्रेन में क्रेनियोफेरिंजियोमा होता है, जो कि डेवलपमेंटल एबनॉर्मलिटी होती है जो ब्रेन में डेवलप होता है। ब्रेन में सेगा हो सकता है, जो एक स्पेशल तरह का ट्यूमर है जो एक जेनेटिक प्रॉब्लम की वजह से ब्रेन में ट्यूमर होता है। और ऐसे ही कुछ और एंटिटीज होती है जो ब्रेन में फॉर्म हो सकती है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अनकॉमन ब्रेन ट्यूमर्स का प्रोग्नोसिस जनरली ग्लायोमा से बेटर होता है, इसीलिए कभी भी जब रेडियोलॉजी में ब्रेन ट्यूमर देखते हैं तो हमेशा माइंड में रखना चाहिए कि ये इट मे नॉट नेसेसरली बी अ प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर और मेटास्टैटिक ब्रेन ट्यूमर। कुछ अनकॉमन एंटिटी भी होती है जो टुगेदर 2-5% ब्रेन ट्यूमर की टोटल कंटेंट को फॉर्म करते हैं। तो ग्लायोमा के संदर्भ में एक कॉमन क्वेश्चन जो होता है, जो पेशेंट फेस करते हैं, वो ये होता है कि ग्रेड का मतलब क्या होता है। आप किसी भी पेशेंट की ग्लायोमा की बायोप्सी रिपोर्ट पढ़ेंगे तो उसमें जरूर लिखा होगा कि ये ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 या ग्रेड 4 है। और कई बार एमआरआई की रिपोर्ट में भी ग्रेड का आइडिया दे जाता है, जैसे लो ग्रेड या हाई ग्रेड। तो दोस्तों ग्रेड बेसिकली एक मापदंड होता है जो बताता है कि ब्रेन का ट्यूमर कितना अग्रेसिव और कितना फास्ट ग्रो कर रहा है। ग्रेड इज इंपॉर्टेंट फॉर टू रीजन, ग्रेड से हमें दो चीजें पता चलती है। नंबर वन, ग्रेड हमें यह बताता है कि ट्यूमर कितना फास्ट ग्रो कर रहा है और इसका ट्रीटमेंट का आउटकम कितना है। तो ग्रेड 1 और ग्रेड 2 ट्यूमर को लो ग्रेड ट्यूमर बोला जाता है और इनका यूजली बहुत ही अच्छा प्रोग्नोसिस और बहुत ही लॉन्ग सर्वाइवल होता है, जैसे हम आगे भी डिस्कस करेंगे। वेल ग्रेड 3 और ग्रेड 4 को हाई ग्रेड ग्लायोमा बोला जाता है, जिनको ट्रीट करना थोड़ा और डिफिकल्ट होता है, प्रोग्नोसिस थोड़ा सा वर्स होता है। दूसरा, ग्रेड हमें बताता है कि ट्यूमर को कैसे ट्रीट करना है। तो जैसे हम डिस्कस करेंगे, ग्रेड 1, 2 और ग्रेड 3, 4 का ट्रीटमेंट काफी डिफरेंट होता है। तो वन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो ये है कि ब्रेन ट्यूमर का क्या जड़ से इलाज हो सकता है। तो आई वॉन्ट टू रीएम्फसाइज कि ब्रेन ट्यूमर एक क्योरेबल बीमारी है और काफी केसेस में ब्रेन ट्यूमर का परमानेंट पक्का इलाज पॉसिबल है। कुछ केसेस में ब्रेन ट्यूमर का परमानेंट पक्का इलाज नहीं पॉसिबल होता, पर इनमें भी आज की इरा में सर्वाइवल, जो पहले कम माना जाता था, आज की इरा में ईयर्स एंड ईयर्स का सर्वाइवल पॉसिबल है। तो ब्रेन ट्यूमर पेशेंट को कभी होप नहीं होनी चाहिए और लॉन्ग टर्म सर्वाइवल न्यू टेक्नोलॉजी से ब्रेन ट्यूमर में ऑलवेज पॉसिबल है। और लास्ट में आते हैं बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे कि ब्रेन ट्यूमर को हम आज की इरा में ट्रीट कैसे करते हैं। तो दोस्तों ब्रेन ट्यूमर का ट्रीटमेंट एक्चुअली डिपेंड करता है कि ट्यूमर कौन सा है, और इसलिए मैं कैटेगरी वाइज आपको समझाता हूँ कि ब्रेन ट्यूमर को कैसे ट्रीट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेटास्टैटिक ब्रेन ट्यूमर, जो एक्चुअली सबसे कॉमन ब्रेन ट्यूमर होते हैं। तो मेटास्टैटिक ब्रेन ट्यूमर का ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कि ट्यूमर कहां से शुरू हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, यदि फॉर एग्जाम्पल ट्यूमर लंग कैंसर से शुरू हुआ है तो लंग कैंसर वाली टारगेटेड थेरेपी से उसको बहुत अच्छी तरह ट्रीट कर सकते हैं। यदि ट्यूमर ब्रेस्ट से शुरू हुआ है तो ब्रेस्ट की हार्मोन थेरेपी या टारगेटेड थेरेपी से उसको बहुत अच्छा ट्रीट कर सकते हैं। तो सिमिलरली एज पर साइट ऑफ ओरिजिन ऑफ ट्यूमर, ट्यूमर का ट्रीटमेंट किया जाता है, डिपेंड करता है कि ट्यूमर कहां से शुरू हुआ है, और ये मेटास्टैटिक ट्यूमर के ट्रीटमेंट का मेन अप्रोच होता है। इन एडिशन कुछ पेशेंट में लिमिटेड सर्जरी या लिमिटेड रेडियोथेरेपी का भी रोल होता है, हालांकि ये हर पेशेंट में रिक्वायर्ड नहीं होती, पर ये यदि पेशेंट को मेटास्टैटिक इन्वॉल्वमेंट एक्सटेंसिव है या पेशेंट को परेशान कर रही है तो उसको सर्जरी या रेडियोथेरेपी से और बेटर कंट्रोल किया जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर के बारे में। तो प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर यानी ग्लायोमा का ट्रीटमेंट मेनली ग्रेड में डिपेंड करता है कि ट्यूमर का ग्रेड यानी लेवल ऑफ एग्रेशन क्या है। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था,
अलग अलग ग्रेड के ट्यूमर का ट्रीटमेंट अलग अलग होता है। तो यदि हम ग्रेड 102 की बात करें जो कि लो ग्रेड ग्लियोमा है, मोस्टली ये ट्यूमर्स को क्योरेबल माना जाता है, इनका क्योर रेट बहुत हाई है। और मेन इनमें दो अप्रोचेस होती है, या तो न्यूरोसर्जरी से ट्यूमर को पूरी तरह निकाल के ट्रीटमेंट किया जाता है, या फिर रेडियोथेरेपी से ट्यूमर को रेडिएट करके उसको ब्रेन के अंदर ही खत्म कर दिया जाता है। तो ये लो ग्रेड ग्लायोमा में ये दो मेन अप्रोचेस से बीमारी को पूरी तरह खत्म करने का हमारा अटेम्प्ट रहता है। यदि हम हाई ग्रेड ग्लायोमा की बात करें, यानी ग्रेड 3 और ग्रेड 4 ग्लायोमा की बात करें, तो इनका ट्रीटमेंट थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड होता है, क्योंकि ये अग्रेसिव ट्यूमर होते हैं, इनको रेडिएशन या सर्जरी से पूरी तरह खत्म करना कठिन माना जाता है। तो यूजुअली इसमें मल्टीपल मोडालिटीज को कंबाइन करके ट्रीट किया जाता है। टिपिकली इनमें फर्स्ट तक न्यूरोसर्जरी होता है, उसके बाद पेशेंट को रेडियोथेरेपी दी जाती है, और उसके बाद पेशेंट को कुछ स्पेशल खाने की टैबलेट्स दी जाती है जो ब्रेन ट्यूमर के अंदर पेनिट्रेट करके ट्यूमर को कंट्रोल करने में हेल्प करती है। दोस्तों, बॉडी में ब्लड ब्रेन बैरियर की कॉन्सेप्ट होती है, जिसका मतलब है कि हर दवाई जो आप बॉडी में देते हो ब्रेन तक पूरी तरह नहीं पहुंचती, तो इसमें स्पेशल तरह की मेडिसिन होती है जो स्पेसिफिकली ब्रेन में पहुंच के ब्रेन के ट्यूमर को कंट्रोल करती है, और ये कॉमनली ओरल फॉर्म में या टैबलेट फॉर्म में दी जाती है। इन एडिशन कुछ पेशेंट जिनमें इस दवाई से भी और एडवांस ट्रीटमेंट चाहिए होता है, उनमें टारगेटेड थेरेपी का रोल है, और कुछ पेशेंट्स में इम्यूनोथेरेपी का भी रोल है। तो यदि हम टारगेटेड थेरेपी की बात करें, ये कुछ स्पेशल दवाइयां हैं जो सिर्फ उन्हीं एस्पेक्ट में काम करती है जिसमें ब्रेन ट्यूमर नॉर्मल सेल से डिफरेंट है। तो ब्रेन ट्यूमर के ब्लड सप्लाई को ब्लॉक करके दवाइयां काम करती है, क्योंकि ट्यूमर ये फास्ट ग्रोइंग होते हैं जो कोई इंडिपेंडेंट ब्लड सप्लाई चाहिए होता है। ये ऑल्टरनेटिवली ये दवाइयां काम करती है ट्यूमर के जेनेटिक प्रोसेस को मॉड्यूलेट करके ट्यूमर को कंट्रोल करने में हेल्प करती है। दूसरी तरफ इम्यूनोथेरेपी कुछ न्यू थेरेपीज है जो बॉडी के इम्यून सिस्टम को यूज करती है ब्रेन ट्यूमर को अटैक करके और किल करने के लिए। तो एट प्रेजेंट ये इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, ब्रेन ट्यूमर में बहुत वेल डिफाइंड नहीं है, पर कुछ स्पेसिफिक ब्रेन ट्यूमर सबटाइप में इम्यूनोथेरेपी का इंपॉर्टेंट रोल है जो इस ट्यूमर को कंट्रोल कर सकती है और किल कर सकती है। ओवरऑल जैसे कि हमने डिस्कस किया, विद राइट ट्रीटमेंट इन राइट पेशेंट, लॉन्ग सर्वाइवल, हैप्पी लाइफ एंड एक्सीलेंट कंट्रोल ऑफ सिम्टम्स आज की एरा में हर पेशेंट के लिए पॉसिबल है। तो दोस्तों, इसी के साथ हम आज का अपना वीडियो समाप्त करते हैं। मुझे आशा है आपको इस वीडियो से फायदा हुआ और आपने कुछ सीखा हो। ब्रेन ट्यूमर एक बहुत ही वास्ट टॉपिक है, स्पेसिफिकली यदि हम चाहें तो हर एक स्पेसिफिक कैंसर के ट्रीटमेंट में हम आधे पौने घंटे का वीडियो बना सकते हैं, पर हमने क्या डिसाइड किया कि इस वीडियो में हम अपने पेशेंट को एक संक्षिप्त फॉर्मेट बीमारी के बारे में बताएंगे। यदि आपको कुछ स्पेसिफिक क्वेरीज और स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं जो इस वीडियो में आपके कवर नहीं हुई है और आपको कोई डाउट है, तो आप स्क्रीन पर डिस्प्ले सोशल मीडिया लिंक से हमें अपने क्वेरी या क्वेश्चन भेज सकते हैं। साथ ही वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए कॉन्टैक्ट से आप अपने रिपोर्ट्स या क्वेरीज हमें भेज सकते हैं, और मैं कोशिश करूंगा पर्सनली कि जल्द से जल्द आपकी क्वेरी का आपको आंसर मिले। दोस्तों, हमारे चैनल का मिशन एक ही है, वर्ल्ड का बेस्ट पॉसिबल कैंसर ट्रीटमेंट इंडिया के हर पेशेंट को उसकी लैंग्वेज में, उसकी जगह पे, उसके स्टेट में मिलना चाहिए, और पेशेंट को पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि वो कैसे अपना आउटकम बेस्ट कर सकता है। ईच पेशेंट शुड गेट द बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर हिज कैंसर फॉर बेस्ट आउटकम एंड बेस्ट सर्वाइवल। तो यदि आप इस मिशन में हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।